हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी की। तो डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी में हम लोग शॉर्ट में देखने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ स्टमक को, ओके। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को, और उसके बाद हम देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ द स्टमक की। डिसऑर्डर ऑफ द स्टमक में आप सबसे पहले जो नाम आएगा उसको हम बोलेंगे गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस जो है, इट इज सिंपली यू कैन से दैट इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो हमने स्टमक के स्ट्रक्चर में ये देखा है कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है स्टमक की, जिसको हम बोलते हैं म्यूकोसल लेयर, है ना, उसी म्यूकोसल लेयर का इन्फ्लेमेशन, मतलब उसमें स्वेलिंग आ जाना, उसी को हम बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। और ये जो गैस्ट्राइटिस है, ये मेनली आप ये बोल सकते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द सम टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक हेलिकोबैक्टर पायलोरी। हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो है, ये आपका बैक्टीरिया है जो स्टमक में रहता है, और ये जो गैस्ट्रिक म्यूकोसल लेयर होती है उसको इन्फेक्शन, उसमें इन्फेक्शन कॉज करता है। बाइल रिफ्लक्स, बाइल का रिटर्न आ जाना, उसके कारण भी होता है, या फिर अदर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण भी आपका गैस्ट्राइटिस हो सकता है। गैस्ट्राइटिस अगर ट्रीट नहीं हुआ प्रॉपर टाइम पे, तो हो सकता है कि वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो डिसऑर्डर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्लोराइडिया। एक्लोराइडिया, एक्लोराइडिया जो है, इट इज़ द कंडीशन इन विच यू कैन से दैट द स्टमक इज फेल्स टू सिक्रीट HCl, है ना। HCl बनाने में स्टमक जो है वो फेल हो जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्लोराइडिया। तो यह हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन रहेगा इज विदाउट HCl, ये विदाउट HCl रहेगा। अब HCl अगर नहीं रहेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन में, तो जो HCl का फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा। मतलब जहां हम बोलते थे कि HCl जो है वो जो माउथ थ्रू या ओटोरल कैविटी थ्रू जो बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं, जो माइक्रोनिज्म एंटर करते हैं, उनको किल करने का काम करता है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात है कि रिजल्ट क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, क्योंकि HCl नहीं तो बैक्टीरिया को किल करने वाला कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली बात है कि आपका जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होने लगेगी। और उसके बाद तीसरा जो डिसऑर्डर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में स्टमक का एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो एक्सकोरिएटेड हो जाता है, है ना। एक्सकोरिएटेड हो जाता है मतलब, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग नाखून छीलते हैं, है ना, तो नाखून छीलते हैं तो पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्किन जो है वहाँ का, वो वहाँ से छिल जाता है, छिल जाता है। उसी को, उस जो छिला हुआ एरिया है उसको हम बोल सकते हैं एक्स कोरिएटेड एरिया, ठीक है ना। तो एक्स कोरिएटेड एरिया जो है वो आपका स्टमक के अंदर के साइड में डेवलप हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। या ऐसा ही जो एक्स कोरिएटेड एरिया है वो आपके इंटेस्टिनल म्यूकोसा में भी डेवलप हो सकता है, है ना। तो स्टमक, और ये जो पेप्टिक अल्सर या एक्सकोरेटेड एरिया जो डेवलप होता है, ये मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ प्रिंसिपली बाय द जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके कारण होता है, ठीक है ना, बाय द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इसको थोड़ा सा हम सिंपली समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्टमक है इस टाइप से, ओके। अब स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो आपकी होती है
गैस्ट्रिक म्यूकोसा की, तो ये आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिंग है मान लीजिए। अभी गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा होता है उसका काम क्या होता है कि स्टमक के अंदर में जो SCL होता है उसको डायरेक्टली स्टमक की वॉल के कांटेक्ट में नहीं आने देता। अब मान लीजिए किसी कारण से अगर ये जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसल लेयर जो है ये ख़त्म हो जाए तो SCL जो है डायरेक्टली स्टमक की वॉल में कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि स्टमक की वॉल जो है वो डैमेज होना शुरू होगी और एक वून टाइप का बना देगी या एक एक्सकोरिएटेड एरिया बना देगी और इसी को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, ये हो गए आपके डिसऑर्डर ऑफ स्टमक। अब दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डिसऑर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में आप जो मेजर रहेंगे वो रहेंगे आपके एबनॉर्मल डाइजेशन, ठीक है ना, एबनॉर्मल डाइजेशन रहेंगे या फिर माल एब्जॉर्प्शन या आप बोल सकते हो एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे हैं एबनॉर्मल डाइजेशन की। अब एबनॉर्मल डाइजेशन जो है ये वर्ड ही खुद में इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या होगा, है ना। इट इज़ द फेलुअर ऑफ द पेनक्रियास टू सिक्रेट पेनक्रियाटिक जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ विच द अल्टीमेटली डाइजेशन गेटिंग अफेक्टेड और यू कैन से दैट देर इज ए एबनॉर्मल डाइजेशन। तो एबनॉर्मल डाइजेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू फेलुअर ऑफ पेनक्रियाज। तो जो पेनक्रियाज है ना, ये पेनक्रियाज जो है आपका पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। अब ये पेनक्रियाज अगर प्रॉपरली पेनक्रियाटिक जूस नहीं बनाएगा जिसके एंजाइम जो है वो डाइजेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, तो सीधी सी बात है कि एंजाइम नहीं रहेंगे, पेनक्रियाटिक जूस नहीं तो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं तो डाइजेशन नहीं, तो अल्टीमेटली जो है आपके एबनॉर्मल डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी पेनक्रियाज अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहा है उस टाइम पे डाइजेशन जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है, और ये एक डिसऑर्डर है स्मॉल इंटेस्टाइन का। या फिर दूसरा जो हम डिसीज डिस्कस कर रहे हैं, डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं, उसको बोलेंगे एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन या फिर आप बोल सकते हो माल एब्जॉर्प्शन, है ना। अब अगर प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो उसको बोल देंगे हम एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन। और ये जो एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन है या जो माल एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको एक टर्म से जानते हैं स्प्रू, ये वर्ड याद रखिएगा स्प्रू। ओके, तो जनरली ऐसा होता क्यों है, ये अगर मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई पार्ट अगर सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए तो एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट होता है। तो ड्यू टू रिमूवल ऑफ सम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, इसकी वजह से आपका एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट होता है। ये हो गए आपके डिसऑर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब तीसरा हम डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में दो बहुत ही फेमस डिसऑर्डर हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम आपने कई बार सुना होगा, वो है आपका कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। कॉन्स्टिपेशन मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि मोशन का नहीं होना, फीकल मटेरियल का एक्सक्रीशन नहीं होना, ठीक है। तो ये फीकल मटेरियल का जो एक्सक्रीशन नहीं होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्लो मूवमेंट ऑफ फिशेस। स्लो मूवमेंट ऑफ फिशेस, ये फिशेस मतलब होता है फीकल मटेरियल, ठीक है। अब ये स्लो मूवमेंट ऑफ फिशेस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो फीकल मटेरियल का जो मूवमेंट है वो आपका बहुत ही स्लो होता है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट नहीं होते और ये बॉडी के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब अगर फीकल मटेरियल जो है वो प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं हो रहा है तो वो बॉडी के अंदर ही रहेगा और उसमें से जो है और वाटर रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है जिसके कारण जो फीकल मटेरियल है वो हार्ड होने लगता है। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्राई, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ड्राई हो जाएगा फीकल मटेरियल, हार्ड
हार्ड भी हो जाता है, जिसके कारण जो है और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन जो है वो वर्स्ट होने लगती है इन द डिसेंडिंग कोलॉन एरिया। ओके, और लास्ट जो डिसऑर्डर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका डायरिया। तो डायरिया जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन का अपोजिट है। यहाँ पर स्लो मूवमेंट ऑफ फिकल मटेरियल था, यहाँ पर रैपिड मूवमेंट ऑफ फिकल मटेरियल थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। बहुत ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा फीकल मटेरियल का एक्सक्रीशन होता है या मोशन होते हैं, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायरिया। ठीक है, डायरिया में फ्लूड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, इसके कारण जो है आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो ये जो थे आपके डिसऑर्डर ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसमें हमने स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस किया। थैंक यू।